पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। यहाँ पर उपस्थित बड़े विद्वान और हमारे साथियों और माताएं बहनों, मैं आप लोगों का हार्दिक बंधन अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम जयवर्धन बौद्ध है और मैं एजुकेशन के बल पे अगर यहाँ पर हूँ तो सिर्फ एजुकेशन के बल पे हूँ। और मैं आपको दो लाइन कुछ कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि हे जननी तू भक्त जन के दाता के सूर नहीं ते तू बाज रह मत गवावस नूर। इसका मतलब मैं बता रहा हूँ, हे जननी, हे माता, अगर तुम्हें बच्चा पैदा करना है तो बाबा साहब जैसा पैदा करो। अगर इसके अलावा कुछ तुम्हारा होता है तो आपके कोख को कलंकित करता है। इतना अपने बच्चों को इतना पढ़ाइए कि बाबा साहब से और बढ़िया हो जाए और अच्छे अच्छे लेवल पे आगे चले जाए। क्योंकि बाबा साहब को ये नहीं पता था कि कितने लेवल तक उन्हें जाना है, लेकिन हमको पता है कि बाबा साहब से आगे हम लोग जा सकते हैं। हमारे समाज का कोई ना कोई जा सकता है। मैं रिप्रेजेंट करता हूं इंडिया का, 24 साल की उम्र में सबसे युवा वैज्ञानिक जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये मुझे नहीं पता था कि ये कैसे होगा, लेकिन बस मैंने सोचा कि हाँ ये हो सकता है, ऐसे आप लोग भी कर सकते हैं। बाबा साहब ने हमें रास्ता दिखाया, उस रास्ते से भी आगे हम लोग जा सकते हैं। और हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है एजुकेशन का। अगर आप अपने बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं तो चाहे जितना बड़ा आदमी हो, चाहे जितना बड़ा नेता हो, आपके बच्चों के सामने झुकेगा। आप किसी को ना क्राइम से ना पॉलिटिक्स से किसी से नहीं जवा सकते। अगर तो आपके बच्चे को एजुकेशन है, आपके पास एजुकेशन है, पढ़े लिखे हैं, तो पूरी दुनिया आपके सामने झुकने को तैयार आती है। मैं आपको दो लाइन कहना चाहता हूं कि विरासत से तय नहीं होती किस्मत के फैसले, विरासत से तय नहीं होती किस्मत के फैसले, ये तो उड़ान बताएगा कि आसमान किसका है। तो आप अपने बच्चों को एजुकेशन को सबसे ज्यादा फोकस कीजिए। और क्योंकि मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस समाज से हूँ कि हमारे समाज के लोग मिलते नहीं है अक्सर। अभी मैंने हाल ही में नासा से ट्रेनिंग करके आया हूँ, फिर मुझे अभी नासा में ही जाना है। मैं अपने समाज के बच्चों से कहना चाहता हूँ कि सिर्फ ये एजुकेशन की बदौलत हो सकती है और किसी के बदौलत नहीं हो सकती है। आप लोग जिंदगी में बस एक एम चुनिए और उसको पूरा करने के लिए पूरी जिंदगी लगा दीजिए। या तो हार मिलेगी या तो आपका तजुर्बा होगा। मैं इन बातों के साथ अपनी बारे को विराम देना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत।